नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसरो के TSTOTD यानी टू स्टेज टू ऑर्बिट स्पेसक्राफ्ट के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके डिजाइन के बारे में, साथ ही साथ हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को भी समझने की कोशिश करेंगे और इसके मिलिट्री एप्लीकेशंस को भी जानने की कोशिश करेंगे। TSTOTD एक कैरियर व्हीकल या स्पेस प्लेन होने वाला है, जिसकी मदद से हम सैटेलाइट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर पाएंगे। इस व्हीकल की खास बात ये होगी कि ये कुछ दूर तक जाने के बाद सैटेलाइट को अपने आप से अलग कर लेगी और उसके बाद सैटेलाइट में लगे खुद के रॉकेट इंजन की मदद से सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाएगा। वहीं अलग हो जाने के बाद ये व्हीकल वापस से लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। इसरो TSTOTD 2030 तक डेवलप करने का प्लान कर रही है। हालांकि ये क्लियर नहीं है कि इसरो ने इस पर कब से काम शुरू किया है या कब से काम शुरू करने वाली है। इस पूरे प्रोसेस को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इस व्हीकल के प्रपोज्ड मॉडल को ध्यान से स्टडी करना होगा। हालांकि जिस मॉडल और डिज़ाइन को हम स्क्रीन पर देख रहे हैं वो प्रपोज्ड डिज़ाइन है, भविष्य में इसमें बहुत से बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल काम करने का बेसिक प्रिंसिपल है वो यही रहने वाला है। TSTO व्हीकल में रैमजेट, स्क्रैमजेट, टर्बोजेट इंजन और दो सेमी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर इस व्हीकल में दो स्टेज दिया गया है। पहले स्टेज को ध्यान से देखें तो एयरक्राफ्ट जैसा एक डिजाइन व्हील के साथ दिया गया है। वहीं सेकंड स्टेज में एक्चुअल पेलोड या सैटेलाइट है, जिसको हम लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करना चाहते हैं। पहले स्टेज में टर्बोफैन इंजन को रैमजेट इंजन के साथ जोड़ दिया गया है, जो कि हमारा पहला प्रोपल्शन सिस्टम है। वहीं दूसरे प्रोपल्शन सिस्टम के तौर पर स्क्रैमजेट को यूज़ किया गया है। वहीं तीसरे प्रोपल्शन सिस्टम के तौर पर रॉकेट मोटर्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर बात करें ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, तो पहले तो ये टर्बोफैन इंजन की मदद से नॉर्मल एयरक्राफ्ट की तरह टेक ऑफ करेगा। टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल फाइटर प्लेन्स में किया जाता है। यहाँ पर जो टर्बोफैन इंजन लगने वाली है उसका थ्रस्ट रिक्वायरमेंट 300 kN का होने वाला है, जो कि 133 टन के आसपास के पेलोड को पुश करने के लिए चाहिए। और इतना बड़ा टर्बोफैन इंजन बनाना इसरो के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन जो प्रपोजल इसरो के साइंटिस्ट द्वारा दिया गया है उसमें मल्टीपल टर्बोफैन इंजन को लगाने का प्रपोजल दिया गया है। और यहाँ पर इंडिया में जो एमका फाइटर जेट के लिए 110 kN का टर्बोफैन इंजन बनाया जा रहा है उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। और ऐसे 4 टर्बोफैन इंजन को यहाँ लगाया जा सकता है, जो भी थ्रस्ट रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए। चारों इंजन मिल करके 350+ kN का थ्रस्ट पैदा कर सकते हैं, जो कि सफिशियंट है पूरे सिस्टम को प्रोपेल करने में। लेकिन यहाँ पर इंजन को लगाने के समय बहुत से फैक्टर्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन करना होगा, जैसे कि थ्रस्ट टू मास रेशियो में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले ये व्हीकल लॉन्च के समय टर्बो रैमजेट इंजन की मदद से Mach 6 के स्पीड को अचीव कर लेगा और 28 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर जब यह पहुँच जाएगा उसके बाद स्क्रैमजेट इंजन का रोल आएगा। इस स्टेज में हवा का स्पीड सुपरसोनिक हो जाएगा और इस स्पीड का इस्तेमाल करके स्क्रैमजेट इंजन की मदद से फ्यूल को बर्न किया जाएगा और ऐसा करने पे ये Mach 9 के स्पीड से ट्रैवल करने लगेगा। 50 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर पहुंचने के बाद स्टेज 2 आ जाएगा, जिस पर सैटेलाइट को रखा गया है वो TSTO व्हीकल से अलग हो जाएगा। स्टेज 2 में सेपरेशन को अचीव करने के बाद सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जाने के लिए रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा और रॉकेट मोटर की मदद से सैटेलाइट को 300 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड को अचीव कर लिया जाएगा। वहीं TSTO व्हीकल 50 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से वहीं से वापस लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर लैंड कर जाएगा। एक प्रॉपर लैंडिंग करने के लिए 15 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर फिर से टर्बो रैमजेट इंजन को इंगेज करना पड़ेगा। TSTO स्पेस प्लेन के मिलिट्री एप्लीकेशंस की बात करें तो इसका इस्तेमाल हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल्स के तौर पर किया जा सकता है, जिसे इंटरसेप्ट करने की टेक्नोलॉजी फिलहाल किसी भी देश के पास नहीं है। TSTO स्पेस प्लेन के एडवांटेजेस पर एक नज़र डालते हैं। कन्वेंशनल सैटेलाइट लॉन्च के बाद स्पेस में बहुत से डेब्रिस जमा हो जाता है, जो कि स्पेस गार्बेज बन जाता है।
ये स्पेस गार्बेज आगे चल के सैटेलाइट्स के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाते हैं, लेकिन TSTO स्पेस प्लेन जैसे कॉन्सेप्ट से हम इस तरह के डेब्रिस को और भी आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। वहीं इस तरह के स्पेस व्हीकल को बार बार रिसाइकल और रीयूज किया जा सकता है, जिस वजह से कम प्रदूषण फैलाने के साथ साथ ये ज़्यादा इकोनॉमिकल और इको फ्रेंडली भी है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कारण जरूर बताएं, ताकि अगली बार हम वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद की सेना।